हेलो दोस्तों, आज के अपनी वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला में एक प्रोजेक्ट के ऊपर। इस प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, जो प्रोजेक्ट का टाइटल अपना रहने वाला है वो है डेवलपमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल बायोप्लास्टिक फिल्म्स फ्रॉम मैंगो सीड स्टार्च। ये इस प्रोजेक्ट का टाइटल है और इस प्रोजेक्ट की जो फंडिंग एजेंसी है वो डीबीटी रहने वाली है। डिपार्टमेंट इसका बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल इंजीनियरिंग रहने वाला है। यहाँ पर आपके प्रोफेसर जो इस के हेड रहने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के, उनका नाम मेंशन किया गया है और उनकी ईमेल आईडी भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। इसके अलावा आपको जो डिटेल्स है पोस्ट की, वो जूनियर रिसर्च फेलो की रहने वाली है। यहाँ पर आपका 2 साल का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, जिसमें आपको पे किया जाना है यहाँ पर 37,000 रुपये प्लस में आपका HRA भी यहाँ पर रहने वाला है। अगर एप्लीकेबल अगर आप होते हो या इंस्टीट्यूट से बाहर रहते हो तो आपको HRA दिया जाएगा। अगर इंस्टीट्यूट खुद की तरफ से आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कराता है तो फिर आपको HRA नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए जो एसेंशियल आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बेसिक साइंस में यानी कि MSc आपका होना ज़रूरी है। ग्रेजुएट में आपके पास BE, BTech या BPharma इनमें से कोई सा भी आपके पास एक होना ज़रूरी है, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है ME, MTech या MPharma की। इन प्रोफेशनल कोर्स सेलेक्टेड थ्रू द प्रोसेस डिजायर्ड थ्रो ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसके अलावा इनके पास डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास गेट या नेट का स्कोर कार्ड है तो भी अच्छी बात है। एक्सपीरियंस की बात करें या सॉफ्टवेयर या स्किल्स की, तो इन्होंने कुछ ज़्यादा मेंशन करके नहीं रखा है यहाँ पर, केवल CSIR नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप और गेट या GPAT के आधार पर ही आपको लेने वाले हैं और ये अदर्स एग्जाम्स के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। इसके बाद में आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाला है, और द कैंडिडेट इज एक्सेप्टेड टू एनरोल द फॉर PhD एट द इंस्टीट्यूट। आपको यहाँ से एक्सेप्टेड किया जा रहा है कि आप PhD में एनरोल कर भी नहीं कर सकते, या आपकी जो भी इनका वो है वो आपको पर डिपेंड करता है। आपका जो इंटरव्यू है वो ऑफलाइन होने वाला है। इंटरव्यू की डिटेल्स आपकी 22/11/2023 को आपका 10 बजे से इंटरव्यू होने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा आपके एप्लीकेशन लिंक तो यहाँ पर आपको ये नोटिस यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा जो आपकी सॉफ्ट कॉपी है उनको जनरली मेल करनी है इसी मेल के ऊपर, तो आपको उसमें मेंशन क्या क्या करना है। तो कैंडिडेट को रिक्वायर्ड है यहाँ पर एक सेंड कंप्लीट फील्ड एंड साइन की हुई आपकी एप्लीकेशन की सॉफ्ट कॉपी और डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ से इंडिकेटिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स, डिवीजन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, रिसर्च पेपर अगर आपके पास कोई है, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है। दिस में भी बिल्ड ए सिंगल PDF फाइल बनानी है आपको जनरली, और उसको सेंड कर देना है जो आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑन द सब्जेक्टिंग अबाउट द मेंशन ईमेल आईडी से। नो हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू सेंड टू द इंस्टीट्यूट। 20 तारीख आपके यहाँ पर लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में 22 तारीख को आपका यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है 10 बजे से। एज की बात करें तो आपके यहाँ पर मिनिमम आपकी 28 ईयर होनी चाहिए, और कुछ एज रिलेक्शन जैसे कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स वालों को 5 ईयर्स का और जो OBC कैंडिडेट उनको 3 ईयर्स का यहाँ पर दिया गया है। आपके प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन ओनली 2 ईयर्स का रहने वाला है, जो कि आपका ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर 22/10/2025 को ही पूरा हो जाएगा, तो तब तक आपका ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।